Hey everyone, this is Shimla, Himachal Pradesh. एक ऐसी जगह है मानो हवा का शोर भी आपको म्यूजिक की तरह फील होगा, जहाँ पाइन ट्री की विस्परिंग आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होंगी। तो मेरे साथ जुड़िए इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ की हिस्ट्री, जियोग्राफिकल कंडीशंस और इकोनॉमी और यहाँ के टॉप अट्रैक्शन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित एक बड़ा शहर है। ये स्टेट की कैपिटल भी है और ये शहर बसा है माउंटेन टॉप पर, जिसकी ऊंचाई है 2276 मीटर, जिसका एवरेज एनुअल टेम्परेचर रहता है 17 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस सिटी यूज्ड टू बी अ समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टिल 1864 टू 1947, और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े हिल स्टेशन में से एक, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, द क्वीन ऑफ हिल्स। न्यू दिल्ली से शिमला आने के लिए 7 hours to 8 hours का टाइम लग सकता है, विच इज़ यू नीड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 360.4 किलोमीटर बाय बस और कार वाया NH44 एंड NH5। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ISBD कश्मीरी गेट से बसेस अवेलेबल हैं, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली से कालका रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती रहती हैं, जिसके बारे में मैंने कालका टू शिमला रेलवे जर्नी में डिटेल में बताया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस, मैं आया हूँ होटल सम्राट रेजेंसी। जहाँ पर भी हम जाते हैं तो हमें मोस्टली होम स्टे, होटल्स, रूम्स चाहिए होता है, ताकि हम वहाँ अपना सामान रख के अपने बाकी जगह को एक्सप्लोर कर सकें। किसी भी होटल में रुकने का मेन कंसर्न यही होता है, सिक्योरिटी, हाइजीन, फैसिलिटीज, प्राइवेसी और लोकेशन। ये सब अच्छा हो तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। ये होटल सम्राट रेजेंसी मॉल रोड पे बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है सर, बिल्कुल लिफ्ट के साथ में ही है। जैसे लिफ्ट से बाहर आते हो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होटल है, और सिर्फ 2 मिनट का वॉक है होटल रिसेप्शन तक। ओपन टेरिस रेस्टोरेंट बना हुआ है, किसी ने ब्रेकफास्ट करना हो, अपना लंच करना हो, डिनर करना हो, सब कुछ अवेलेबल है। वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है? वाईफाई हमारे पास बिल्कुल 24 आवर्स है सर। ये हमारा सुपर डिलक्स रूम है जो आप देख रहे हैं इस टाइम ना। हमारा यहाँ से पूरा शिमला का व्यू है, फ्रंट व्यू, और बिल्कुल फैमिली एटमोसफेयर है सर। इंदिरा गांधी खेल परिसर है सर, यहाँ पे बच्चों का ऑडिशन चलता है, एक अच्छा व्यू, एक अच्छी विंडो के साथ, और बालकनी के लिए आप यहाँ पे कॉरिडोर बना सकते हो, और साथ साथ आपको प्राइम लोकेशन के साथ नीचे मेन मार्केट में मिल जाएगी जो माल रोड से पूरा कनेक्टेड है, और इसके ऊपर ही सीधा आपको क्राइस्ट चर्च मिल जाएगा, पूरा माल रोड का रिच मिल जाएगा। हमारा अपना किचन है, फूड लाइसेंस है, और बिल्कुल फ्रेश फूड बनता है। ऑर्डर करेंगे 20 से 25 मिनट लगता है। बाकी इंटरकॉम सर्विस है, रूम से आप ऑर्डर कर सकते हो और रूम पे खाना आ जाएगा, जिस तरह का आप खाना चाहते हो उस तरह का खाना बना। मेन्यू कार्ड अवेलेबल है आपके पास? मेन्यू कार्ड रूम इंटरकॉम के साथ प्रोवाइड मिलेगा सभी रूम्स में, सब कुछ सभी रूम्स। अपने होटल की खिड़की से शिमला के इन खूबसूरत और बड़े पहाड़ों को देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ
कभी कभी आपको सबसे अच्छे नज़ारे तब मिलते हैं व्हेन यू सिंपली पॉज योरसेल्फ एंड टेक इन द वर्ल्ड अराउंड यू। वैसे शिमला में घूमने के लिए काफ़ी जगह है। यहाँ के टॉप एट्रैक्शन पॉइंट्स हैं जाकू टेम्पल, जो जाकू हिल टॉप एरिया पर है, द माल रोड, द विस्टल लॉज, द रेज, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, क्राइस्ट चर्च, हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, स्कैंडल पॉइंट एंड कालीवरी टेम्पल। वैसे शिमला घूमने का सबसे अच्छा समय समर में है, मई टू जून, और विंटर्स में दिसंबर टू जनवरी, जब यहाँ सिर्फ बर्फ पड़ने लगती है और गर्मियों में भी गर्मी जैसा एहसास नहीं होता जैसे बाकी मैदानी इलाकों में होता है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब से आने वाले लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, और यही एक मेन रीज़न था शिमला को समर कैपिटल बनाने का, क्योंकि ब्रिटिशर्स गर्मी का सामना नहीं कर सकते थे। कई ब्रिटिशर्स लोग माइल्ड एंड मॉडरेट क्लाइमेट प्रेफर करते हैं, जिसके लिए ब्रिटेन जाना भी चाहता है, और एक्सट्रीम हीट उन्हें अनकंफर्टेबल और थका देने वाली लगती है। और भारत में इसका ऑपोजिट देखने को मिलता है, जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जियोग्राफिकली इंडिया इक्वेटर के करीब है, जिसका आधा हिस्सा टोराइड जोन है, मतलब उष्णकटिबंधीय इलाके, जो पृथ्वी पर सबसे गर्म इलाकों में से होते हैं। साथ ही सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं हिमालय रेंज की वजह से बाधित होती हैं, जिससे हवाएं भारत में नहीं पहुंच पाती, और गर्मियों के दौरान पृथ्वी के झुकाव के कारण भारत को लगभग सीधे पड़ने वाली सनलाइट का सामना करना पड़ता है। आप में से बहुत से लोगों ने ये जरूर सोचा होगा, शिमला और मनाली में से कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है एक आइडियल डेस्टिनेशन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स और नेचुरल ब्यूटी के फैन हैं, तो मनाली में बी द आइडियल चॉइस फॉर एवरीवन। और दूसरी ओर अगर आप कॉलोनियल हिस्ट्री और कल्चरल एट्रैक्शन में रुचि रखते हैं, तो शिमला में बी मोर सुटेबल। आपकी पसंद चाहे जो भी हो, दोनों शहर घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत हैं और एक अनोखे अनुभव का वादा करते हैं। और अगर आपको मनाली के बारे में जानना है, तो आप मेरा मनाली व्लॉग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम रिज पे पहुंचने वाले हैं, और साथ में यहाँ का क्लाइमेट जो एवरग्रीन है, हर पल बदलते रहने वाला, जहाँ एक पल धूप है तो दूसरे पल बादलों का आ जाना और बारिश पड़ना। ये है द रिज, एक बड़ा लार्ज ओपन स्पेस जो माल रोड के किनारे में सिचुएटेड है, और शिमला को मोस्टली रिप्रेजेंट कराने वाली जगहों में से एक, जहां हजारों टूरिस्ट आकर इस माउंटेन टॉप से मिलने वाले शानदार नज़ारों का आनंद लेते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और सोलो आकर भी आप यहां एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यह शहर की सभी कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविटीज की मेजबानी, मतलब होस्टिंग करता है। रिज पर ही सारे कल्चरल फेस्ट कलेक्टिवली मनाए जाते हैं। यहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज जैसे पीने का पानी, पब्लिक लेबोरेटरी शामिल है, और एक वाइड ओपन गैलरी भी, जहाँ बैठकर आप माल रोड और रिज का पूरा नज़ारा देख सकते हो। और फूड्स के लिए भी छोटे बड़े आउटलेट्स, स्ट्रीट वेंडर्स अवेलेबल हैं। क्राइस्ट चर्च, वैसे सेंट थॉमस चर्च प्लाई और केरला के बाद रिज पर सिचुएटेड क्राइस्ट चर्च नॉर्दर्न इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। यहाँ एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है,
और इट इज़ ओपन फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 6 PM एवरी डे। अगर आप यहाँ आने वाले हो तो टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, आप यहाँ शांति बनाए रखिए। पिक्चर्स क्लिक करना अवॉइड करें, आगे जाकर पीछे से आप पिक्चर्स ले सकते हो। और संडे को यहाँ विजिट कर रहे हो तो संडे मास अटेंड करना ना भूलें। अंदर रंगीन कांच की विंडोज जो रिप्रेजेंट करती है फेथ, होप, चैरिटी, फोर्टिट्यूड, पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी को। शिमला के मेन टूरिज्म अट्रैक्शन में से एक क्राइस्टचर्च जाना जाता है अपने शानदार आर्किटेक्चर के लिए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान चर्च के आसपास के एरिया में ब्रिटिशर्स और एंग्लो इंडियन का एक बड़ा समूह रहता था, क्योंकि वो सब क्रिश्चियनिटी फॉलोअर्स थे तो उन्होंने गवर्नमेंट से पूजा स्थल बनाने के लिए कहा। इसलिए 1844 में क्राइस्ट चर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और डिवाइन सर्विसेज शुरू करने के लिए चर्च को 11 अक्टूबर 1846 में ऑफिशियल लाइसेंस मिला। आखिरकार द क्राइस्ट चर्च को बनाने में 11 से 12 साल लगे और उस समय के लिहाज से लगभग 40,000 से 50,000 तक खर्च किए गए। यहाँ कदम रखते ही आपको पीस मतलब शांति का अभाव होगा, जो सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है आज के ज़माने में जहाँ नॉइस पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है हर एक टूरिज्म प्लेस पर। क्या कभी किसी ने सोचा है शिमला का नाम शिमला कैसे पड़ा? इसकी शुरुआत में क्या था? यहाँ का इतिहास ब्रिटिश रूल से पहले? अगर नहीं तो मैं आपको इसी करके समझाता हूँ। वर्तमान शिमला शहर में कब्जे वाला अधिकांश क्षेत्र 18वीं शताब्दी के दौरान एक घना जंगल हुआ करता था। सिविलाइजेशन का एक ही साइन था, जागो टेम्पल और कुछ बिखरे हुए घर, और इस एरिया को शिमला कहा जाता था, जिसका नाम हिंदू देवी श्यामला देवी के नाम पर रखा गया था, जो देवी काली का अवतार थी। कुछ समय बाद शिमला एरिया पर 1806 में नेपाल के भीमसेन थापा ने आक्रमण किया और शिमला को अपने कब्जे में लिया। फिर 1814 टू 1816 में हुई एंजेलो नेपलिस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल इस इलाके में करती है। ये बस छोटा सा हिस्सा है इस जगह के इतिहास का, पर देखा जाए ये जगह मेन सेंटर है बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स का 18th century के दौरान और आज़ाद भारत के टाइम के बीच। शिमला में कई इमारतें हैं जो कॉलोनियल एरा की और न्यू गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर पर बनी है, जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कराता है। जैसे मानो आप भारत में नहीं, लगता है जैसे आप ब्रिटेन के किसी शहर या विलेज में खड़े हों, और इसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यही नेचुरल कॉलोनियल एनवायरनमेंट टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। माना जाता है यहाँ 1830 में लगभग 30 घर हुआ करते थे, जो बढ़कर 1141 हुए 1881 में। इन 1832 में शिमला की पहली पॉलिटिकल मीटिंग देखने को मिली। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, और फिर कालका शिमला रेलवे का खुलना 1903 में शिमला तक पहुंचना और उसकी लोकप्रियता में इजाफा किया, जिसमें बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स शामिल हैं जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है उस समय का। हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात तो हो गई, अब बात मैं करता हूँ इकोनॉमी पर। एम्प्लॉयमेंट यहाँ लार्जली गवर्नमेंट और टूरिज्म पर बेस्ड है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स, होटल्स, स्कूल्स, एजुकेशनल हब्स, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं, और कई सारे लोग हैं जो खुद का व्यापार करते हैं, जिसमें होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट और कई छोटे बड़े स्टोर के रूप में आपको मार्केट में दिख जाएंगे। और साथ में हिमाचल प्रदेश स्टेट में कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स और हेडक्वार्टर्स शामिल हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रेस, हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर्स। शिमला से बिलोंग करने वाले कुछ फेमस लोग भी हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं और कई बॉलीवुड मूवीज और हिंदी टेलीविजन में अपना नाम कमा चुके हैं, जैसे अनुपम खेर,
प्रीडी सिंटा, आशीष आर मोहन और बहुत से राइटर्स और एक्टिविस्ट, डायरेक्टर, पॉलिटिशियंस। यहाँ की होटल इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट मेजर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन फॉर द सिटी। शिमला में लगभग 6,500 से ज़्यादा होटल्स हैं, इंक्लूडिंग 5 स्टार्स, जिसमें शिमला हाईएस्ट रैंक वाले होटल्स वाले भारतीय शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात भर बारिश होने के बाद आज पॉसिबली वेदर क्लियर हो सकता है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग ऐप में भी आज का वेदर क्लियर है। लेट्स सी। आज मेरा 2 जगह जाने का प्लान है, एक झाकू मंदिर और एक लक्कड़ बाजार, और ये सभी कनेक्टेड है माल रोड से। असल में कई लोग कई बार द रिज को माल रोड समझ लेते हैं, लेकिन माल रोड शिमला की मेन शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, जहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, क्लब, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टूरिज्म ऑफिस, ये सब शामिल है। और ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो शॉपिंग के लिए आप लोअर मार्केट में विजिट कर सकते हो, जहाँ आपको मेन शॉपिंग स्ट्रीट लाइन से कम प्राइस पे चीज़ें मिल सकती हैं। और ये सब जगह जुड़ी हुई है एक रोड से, जिसे हम माल रोड के नाम से जानते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये शहर हिमालयस की साउथ वेस्टर्न रेंज पर 31.61 डिग्री नॉर्थ और 77.10 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है, और ईस्ट टू वेस्ट तक लगभग 9.2 किलोमीटर मीन्स 5.7 माइल्स की दूरी तक फैला हुआ है। भारत के भूकंप खतरे वाले क्षेत्रों के अनुसार ये शहर जोन 4 की लिस्ट में आता है, जिसका मतलब यह है कि ये ऑलरेडी एक हायर डैमेज रिस्क जोन है। वीक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, बढ़ती आबादी, ओवर टूरिज्म और ग्लोबल वार्मिंग के चलते अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट और फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स बढ़े हैं बारिश होने के बाद, जो एक सीरियस प्रॉब्लम है पूरे एरिया के लिए। शिमला के पास खुद का कोई वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं है एक बड़ी नदी के रूप में, पर शिमला के आसपास 6 प्राकृतिक जल संसाधन मौजूद हैं, जैसे अश्वनी खड, नोटी खड, गिरी खड, चुरुट नाला, चैर नाला और ढली कैचमेंट, जो उसके निवासियों को पानी उपलब्ध कराता है। पास में बहने वाली नदी केवल सतलुज है, जो 21 किलोमीटर दूर है। दूसरी नदियां जैसे पब्बर और गिरी शिमला डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, पर शहर से बहुत दूर। अब हम जा रहे हैं झाकू मंदिर, द रिज से 2 किलोमीटर दूर और 8,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये जगह इस शहर की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा और साथ में दूसरे बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। पहाड़ की चोटी पर हिंदू देवता हनुमान का एक पुराना मंदिर है, जो इस जगह को धार्मिक और देखने के अभाव से फेमस बनाता है। 108 फीट का ये स्टैचू कई दूसरे खूबसूरत स्टैचू के बीच सबसे ऊंचाई पे खड़ी एक अकेली मूर्ति है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, द टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू, जिसने ब्राजील के रियो द जेनेरियो क्राइस्ट रिडीमर को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी ऊंचाई 98 फीट है। और यहाँ आने के लिए आप रोप वे का यूज कर सकते हैं, जो शिमला का पहला रोप वे स्टेशन है। बाकी कैब फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, और अगर नहीं तो आप मेरी तरह ट्रैक करके आ सकते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय लगेगा ही। यहाँ एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मंदिर के साथ साथ यहाँ एक बड़ा पार्क भी है, जहाँ लोग माउंटेन टॉप पर आकर एंजॉय, रेस्ट और यहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हैं।
ये मंदिर डेली ओपन रहता है, सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक। चाकू टेंपल के साथ एक इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है। रामायण के दौरान लक्ष्मण को संजीवनी बूटी की ज़रूरत थी, तो हनुमान को हिमालय में जड़ी बूटी लाने का काम सौंपा गया था। हिमालय की ओर जाते समय हनुमान को एक ऋषि याकू मिले, जिसने उन्हें जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दी और वादा किया कि उनसे जल्द मिलेंगे लौटते समय। पर समय ना होने की वजह से हनुमान लौटते समय ऋषि से नहीं मिल सके, तो भगवान के विजिट के सम्मान की खुशी में याकू ने वहां एक मंदिर बनवाया। और माना जाता है कि मंदिर में हनुमान के पैरों के निशान मौजूद हैं और मंदिर के आसपास रहने वाले बंदर उनके वंशज हैं। वापस जाते समय उतना टाइम नहीं लगेगा जितना यहाँ आने पे लगा था, तो नीचे जाने में आसानी होगी। और जाने से पहले यहाँ पे मैं एक टी स्टॉल से टी जरूर पीऊंगा। जान गए होंगे, डरते हैं हमारे से। अच्छा धोखे से ले जाएं वो बात अलग है, मेरे से डरते हैं बड़े। मेरे से गया यहाँ लोकलों से डरते हैं, लोकलों के साथ पहचान पूरी रखते हैं, जुबान ही नहीं है इनको, बाकी समझ पूरी है। तंग उसको करेंगे जो डरेगा। और जो यहाँ पे लोग आते हैं टूरिस्ट, वो गंदगी मचाते हैं, जैसे प्लास्टिक थ्रो करना, बॉटल्स वगैरह फेंक देना, बहुत लोग अच्छे भी आते हैं। हम तो यहाँ पर स्टेडियम में कितनी सफाई है, देखो डिस्ट्रॉय कर देते हैं साथ साथ में। शुक्रिया रेंशी, ले ले ऐसी चाय आपको पूरे शिमला में कहीं नहीं मिलेगी। तो चाय आपको मिलेगी नहीं, आप खुद बोलेंगे कि वाह वाकई चाय बनाइए। Last but not the least, we keep heading towards to Lakkar Bazaar. Lakkar Bazaar के नाम से थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है कि इसको लक्कड़ बाजार क्यों कहा जाता है। बाकी सब मार्केट्स की तरह ये भी एक फेमस मार्केट प्लेस है, जहाँ लकड़ी से बने सारे हिमाचली हैंडीक्राफ्ट्स और घर में सजाने वाले सजावटी आइटम्स मिलते हैं, और स्थानीय लोगों के लिए कुछ फुर्सत की शामें बिताने के लिए एक अच्छी जगह भी, और कुछ समय से खरीदारी के शौकीनों के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुकी है, जो आपकी पॉकेट पर इम्पैक्ट नहीं डालती, मतलब ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। बाकी शॉपिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी सामान है, जैसे की चेन, स्पून्स, कैंडल स्टैंड, वुडन गारमेंट्स, पश्मीना शॉल भी, और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड अदर स्टव्स, और ये सब लकड़ी के बने हुए हैं। जब हम शिमला के एंचेंटिंग हिल्स को अलविदा कहते हैं, तो हम अपने साथ सिर्फ फिल्म में कैद की गई ये यादें नहीं, बल्कि इस मैजेस्टिक लैंड का सार भी अपने दिलों में ले चलते हैं। शिमला हमको याद दिलाता है कि चुनौतियों का सामना करते हुए हम किसी भी शिखर को जीत सकते हैं, और नेचर के बीच रहकर हम अपने असली रूप और स्ट्रेंथ को पा सकते हैं। यहाँ उठाया हर एक कदम सिर्फ चढ़ाई नहीं थी, बल्कि हमारी स्पिरिट और डिटर्मिनेशन की गवाही थी। और ये सब बातें सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन सब के लिए है जो यहाँ आते हैं और यहाँ रहते हैं।
तो खोज करते रहे, सपने देखते रहे और शिमला के जादू को अपने रोमांच की ओर ले जाने के लिए इंस्पायर करते रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, स्टे एडवेंचरस एंड नेवर स्टॉप चेजिंग द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। Ordinary world.